नाथूराम गोडसे ने लाल किले की विशेष अदालत में अपने लंबे बयान में कहा था कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने की मांग को लेकर उपवास किया था। सावरकरवादी इस बात को बार बार उठाते रहते हैं, जबकि यह पूर्णतः असत्य है। दरअसल हुआ यह था कि विभाजन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक का 400 करोड़ रुपया में से 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देना तय हुआ, जिसमें से 20 करोड़ रुपये तत्काल दे दिया गया। महात्मा गांधी ने विभाजन के कारण हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए कलकत्ता में भी 72 घंटे का अनशन किया और फिर दिल्ली आए, तब कराची, गुजरात, समूचे पाकिस्तान, पंजाब में हत्याएं हो रही थी। ट्रेन भर भर कर लाशें आ रही थी, विस्थापन हो रहा था। तब मानवतावादी गांधी ने दंगे रोकने, लोगों का विवेक जगाने के लिए 14 जनवरी से अनशन प्रारंभ किया। निर्दोष लोगों की हत्या रोकना उनका उद्देश्य था। यह बात उन्होंने 12 जनवरी की प्रार्थना सभा में भी कही थी। वैसे भी एक कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट ने 15 जनवरी को 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने पर सर्वसम्मति दी, परंतु गांधी जी का अनशन 18 जनवरी तक चला और तब खत्म हुआ जब सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने शपथ पत्र देकर हिंसा नहीं करने का संकल्प लिया। असल में नाथूराम गोडसे ने पंचवटी में भी बापू की हत्या का प्रयास किया था। वह कुछ और कारणों से लगातार यह कर रहा था। 55 करोड़ रुपये देने की मांग पर अनशन सफेद झूठ है। महात्मा गांधी तो मानवता की रक्षा के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे।